आपका व्यू पॉइंट, सुधांशु जी आ रहा हूँ उसके बाद। सतीश जी देखो भाई, ये तो 45 मिनट मैं डांट खाने को तैयार हूँ सर, बोल रहा रहे तो बड़ा मुश्किल है। आई एम रेडी, सॉरी सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ उन्हीं से बहस कराइए और सुधांशु जी से रोज राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करवाइए, ये बढ़िया रहेगा। जो लोग कंकाल आप ढूंढेंगे ना, दोनों में ही मिलेगा। आपने गलत कहा कि मैं राहुल गांधी का बहुत एविड, बहुत ये हूँ। अगर वो गलत करते हैं तो गलत बोलता हूँ, और मोदी के खिलाफ। वेटिंग टू हियर दैट सर। मेरी आपसे ज्यादा क्या कहते हैं क्रेडिबिलिटी रहेगी, क्योंकि मैं इसमें कोई पक्षपात नहीं करता। कंकाल की बात की है, कंकाल की बात है, खोदिए ना, बहुत मिल जाएगा। ये तो दोनों भाटी जी और वो जो कौन है त्रिपाठी जी, रत्नाकर जी, बहुत कुछ बोल दिया है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि सुधांशु जी की बातों में भी बहुत कुछ है, लेकिन टॉटोलॉजिकल आर्गुमेंट देने के भाजपा वाले माहिर हो गए। मैं आपको बताऊं, देखिए अब जुड़ाने लगो तो कंधार से लेके कारगिल तक जुड़ जाएगा, 15 तरह की चीजें होंगे। 3-3 प्रधानमंत्री चले गए पाकिस्तान, और बातचीत क्या है, क्या कहा था वाजपेयी ने, पड़ोसी नहीं बदल सकता। तो ये बता दे सुधांशु जी कि वो वाजपेयी की लाइन को मानते हैं या मोदी जी के लाइन को मानते हैं, माने। और ये इन्होंने सर्टिफिकेट दे रखा है क्या कि ये सर्टिफिकेट देंगे कि सब देश द्रोही, इसमें कौन सी पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं? क्या आपकी राम मंदिर हो गई, वो आंदोलन से आपका वोट पिट गया तो आपको फिर नया सूझा? ये खाली इससे चलता है देश क्या? इससे देश चलता है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं तो मानता हूं कि आप दलों से ऊपर के व्यक्ति हैं। बोलिए कि ये जो हो रहा है, चैनल वाले तो इधर उधर का एजेंडा चलाते रहेंगे, आप मत चलाओ साहब, आप मत चलाओ। जो आपके पॉलिटिकल प्रोसेस के लोग हैं ना, कोई देशद्रोही नहीं है, और आप पे आरोप लगता है कि आपने ओवैसी से समझौता किया। और ये तो आरोप लगाने की भी जरूरत नहीं है कि उमर अब्दुल्ला आपकी सरकार में मंत्री था और पीडीपी के साथ दरवाजा खोल के आपने किया। पता नहीं ये पाकिस्तान का तिलिस्म क्या है भाई, पाकिस्तान की बात करते हो तो रोज रोज चीन का भी बात करो। ये है ये जो दोहरा नीति है ना, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, क्या कांग्रेस? कांग्रेस तो अगर अच्छी होती तो ये 15 साल से पिट नहीं रही होती, वो तो उसमें गड़बड़ियां हैं ही। लेकिन आप अच्छे हो तो देश के बारे में ज्यादा करो, चुनाव और दल के बारे में ज्यादा मत सोचो। पॉइंट एक अंदर सुधांशु त्रिवेदी काउंटर कर रहा है, सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर किताब पे, किताब और सड़क पे। चलिए मैंने शायद देखिए, भाटी जी और रत्नाकर जी ये तो पार्टी के प्रवक्ता हैं तो सुन के अनसुना कर देंगे, बट सतीश सिंह साहब, मैंने 2 बयान पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के कोट किए, एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बयान पब्लिक मीटिंग में कोट किया, और आप अगर भूल गए तो अक्टूबर 2016 की पाकिस्तान की सेनेट यानी उच्च सदन, जैसे अपने राज्यसभा है, उसकी एक कमेटी की रिपोर्ट कोट की, और आप कह रहे किताबें ही सिर्फ कोट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, आपसे मैं अपेक्षा करता हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम इन तथ्य को स्वीकार करें। मैंने केवल किताबें, और आपने बात कही, आपकी बात को बिल्कुल मानता हूं, अटल जी ने कहा था। अरे मैंने स्वीकार किया, मैंने बोला मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल सकते हैं, ढूंढिएगा तो सब जगह कंकाल। हाँ तो सर, केवल किताबें नहीं कोट की, वो लोग कहेंगे क्योंकि वो सत्य को छुपाएंगे, अभी उतना ही कंकाल है भाई। इसलिए मैंने सिर्फ किताबें नहीं, मैं अगर पॉलिटिशियन के जैसा बोलूं तो बोलो कि भैया आपके नेता ने जिन्ना के मजार पर जाके चादर चढ़ा दिया, बोलिए कि गलत किया उन्होंने आज, बोलिए। सतीश जी इसमें आवेश माने की जरूरत ही नहीं, हमारे वरिष्ठतम नेता थे, इसी कारण उनको पद छोड़ना पड़ा। भी खामी ढूंढो तो हमारी तो पार्टी ने गलत माना ना, ऊपर इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है महोदय। इनकी पार्टी में तो अभी 2024 में अखिलेश यादव ने 2022 के यूपी चुनाव में जिन्ना की तारीफ कर दी, और उनकी तुलना गांधी नेहरू और पटेल से कर एक-एक करके सतीश जी सपोर्टर मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई सर, आप कहे वो हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कहा अटल जी की लाइन को मानते हैं या हम आज की लाइन को मानते हैं, किसी सूरत में आतंकवाद। अरे सर, आप कहे उसमें जी फाइनल एंडिंग कमेंट पार्टी, अपनी बात पूरी कर लूं सर, आप बोल तब पूरी बात बोलिएगा। अटल जी की लाइन ये थी कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, तो मोदी जी ने उसी को आगे बढ़ाया है।
कि हमने यह तय कर लिया कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, पर पड़ोसी को हैसियत में तो रख सकते हैं। हमने पड़ोसी को हैसियत में ला के रख दिया। दुनिया में कहीं भी झगड़ा होता है तो चाहे गली का झगड़ा हो या अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा हो, हमेशा कमजोर कहता है कि ताकतवर हमें सता रहा है। हम दुनिया के इकलौते मुल्क थे जनाब जो 60-65 साल तक, अटल जी का दौर छोड़ दें तो, कमजोर और छोटे के लिए कहते रहे कि हम बड़े हैं, हम ताकतवर हैं, यह हमें सता रहा है। ऐसा अद्भुत उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा हारता हुआ देश, हारती हुई फौज संयुक्त राष्ट्र संघ में जाती है। हम कश्मीर में जीत रहे थे, 48 घंटे की बात थी, पूरा पीओके हमारा होता, हम जीतते हुए देश और वहां चले गए। और मैं फिर दर्शकों को याद दिला दूं, उस समय गवर्नर जनरल माउंटबेटन भारत में बैठे थे, भारत का आर्मी चीफ अंग्रेज था जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर, भारत का एयरफोर्स चीफ अंग्रेज था, भारत का नेवी चीफ अंग्रेज था। भाई हम किस लिए गए यूनाइटेड नेशंस, और पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी अंग्रेज था। एक मिनट में माउंटबेटन से कहकर बात संवार सकते थे, कहे नहीं किया भाई, ये बताइए ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहुत खतरनाक चीजें हुई हैं, क्योंकि अपने को महान बनाना था, देश के लिए कुछ भी कुर्बान कर देना था, और वही हालत आज चली आ रही। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, और रत्नाकर जी को क्या कहें, इनको लगता है कि शादी में चले गए तो औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, मैंने वर्ड बोला था, कोई जाके देख ले। 50 साल जो पार्टी केंद्र में सत्ता चला चुकी उसे ऑफिशियल बायलेटरल डायलॉग, और उसमें सुनिए बिरयानी नहीं खाई, क्योंकि मोदी जी वेजिटेरियन है, पाकिस्तान में वेज बिरयानी नहीं होती, वो सिर्फ हिंदुस्तान में होती, वहां नॉन वेज बिरयानी होती है। बिरयानी तो आपने खिलाई आतंकवादियों को हजरत बल की मस्जिद पे, जब वो मुसलमानों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल पे कब्जा करके बैठे थे, नवंबर 1993 में बिरयानी भेजी थी आपने, पूरी नॉन वेज बिरयानी भेजी थी भाई। और मोदी जी ने वो जो कुछ किया उसके बाद जो पटक पटक के धूल चटाई, पटक पटक के धूल चटाई, कहानी हो गई बहुत पुरानी मेरे भाई। नहीं नहीं कहानी अभी ठीक है, आप फैक्ट्स ले ना ले, आम की बेटियां कौन लेता है वो सब पता है। देखिए भैया पर्सनल हो जाता है भाटी जी, जब बात देश की हो, सतीश जी ने बोला ना इधर भी है उधर भी है, तो इसलिए बात पर्सनल हो जाती है क्योंकि बात देश की है ना। अखिलेश जी के लिए भी पर्सनल है, किसका चेहरा माफिया है देख रहे, जनता जवाब देगी ना, आपको भी बीजेपी को भी, रत्नाकर जी को, सतीश केसिंग जी देख रहे हैं। नहीं नहीं भैया आप आम की पे, अभी 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 आम का सीजन चला गया, अभी आम का सीजन चला गया, रिलैक्स कीजिए। फैक्ट्स मत, आप फैक्ट्स मत एक्सेप्ट कीजिए, आम की पेटियां एक्सेप्ट कीजिए जीजा के लिए। नहीं नहीं आप आम की पेटियां एक्सेप्ट कीजिए, ये डिसाइड जनता करे, समय कम है मेरे पास। सतीश जी मैं इसकी भरपाई अगले डिबेट में 100% करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।